हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक फूड विद जो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल स्वादिष्ट छोले की रेसिपी, और इसे हम बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हुए छोले, जिन्हें मैंने 8 से 10 घंटों के लिए पानी में भिगो कर रख लिया था। फिर मैंने यहाँ पे लिया हुआ प्याज, 3 टमाटर, हरी मिर्च। खड़े मसालों में हमने इस्तेमाल किया हुआ है साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग एंड दालचीनी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल किया है। तो गाइस, सबसे पहले हम ये छोलों को कुकर में डाल के इन्हें 7 से 8 मिसल देके इसने अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। गाइस, छोलों को बॉईल करते टाइम हम इसमें 1 से 2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, ताकि ये जो नमक है छोलों में काफी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। तो गाइस, जब तक हमारे छोले कुकर में बॉईल हो रहे हैं, तब तक हम ऑनियन का पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे, साथ ही हम टोमेटो की प्यूरी भी बना के रेडी कर लेंगे। गाइस, तो देखिए, हमने यहाँ पे प्याज का पेस्ट बना के रेडी कर लिया है, साथ ही हमने यहाँ पे टोमेटो की जो प्यूरी है वो भी रेडी कर ली है। टोमेटो की प्यूरी में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हरे धनिया को मिला दिया है, इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। तो जब तक हमारे छोले पक के रेडी हो रहे हैं, तब तक हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब हम इसमें जो सारे साबुत मसाले हैं वो एक एक करके ऐड कर लेंगे। गाइस, इसमें अब हम ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसे हम कम से कम 5 से 8 मिनट के लिए अच्छे से ऑयल में भूनेंगे। तो गाइस, ये देखिए प्याज का पेस्ट हम अच्छे तरीके से ऑयल में भून गए हैं। तो अब इसे हम ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी को। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। टोमेटो प्यूरी को भी हमें अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब तक ये टोमेटो प्यूरी और प्याज कढ़ाई में पक रहे हैं, तब तक आइए हम कुछ पिसे हुए मसाले ले लेते हैं। 2 चम्मच छोले मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इन मसालों को भी हम इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट तो आ जाएगा, लेकिन रेस्टोरेंट जैसा कलर कैसे आएगा? तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टिप दे रही हूँ। इसके लिए हमें पानी गर्म करना है गैस पे, और उसमें हम ऐड करेंगे चाय की पत्ती। 1 से 2 चम्मच इसमें हमें चाय की पत्ती डालनी है, और इसे अच्छे तरीके से उबाल लेना है, और इस पानी को हम छोले में ऐड कर देंगे। तो गाइस, देखिए हमारा मसाला रेडी है, और इसमें हम ये जो बॉईल किए हुए छोले हैं इसे मिक्स करके अच्छे तरीके से चला लेंगे। तो गाइस, ये देखिए चाय पत्ती का पानी रेडी हो गया है। अब इस पानी को हम छोले में ऐड करते हैं, इससे एकदम रेस्टोरेंट जैसा वाला कलर आ जाता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हमें इसमें ज्यादा नहीं ऐड करना है, क्योंकि हमने छोले को बॉईल करते टाइम ऑलरेडी नमक का यूज किया हुआ था। और आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी, जिसे हम हाथ में थोड़ा सा लेके क्रश कर लेंगे, और इसे इस तरीके से हम इसमें मिला देंगे। कस्तूरी मेथी से जो ग्रेवी है उसका टेस्ट काफी बढ़ जाता है बस। और अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो गाइस, ये देखिए छोले बनके एकदम रेडी है।
और दिख रहे हैं ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल यम्मी छोले। बस अब इसमें हमें एक तड़का देने की बारी है। तो बस हमें गैस का फ्लेम बंद करके इसमें एक घी का तड़का देना है। इसके लिए हमने लिया एक पैन, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग, ये हमने हरी मिर्च को चीरा लगा के रख लिया था, इस हरी मिर्च को इस तड़के में डालेंगे। और अब इस तड़के को हम डाल देंगे अपने छोले में और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस छोले बनके रेडी है, अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। तो गाइस ये देखिए छोले बनके रेडी हैं और ये छोले देखिए एकदम रेस्टोरेंट के छोले के जैसे ही दिख रहे हैं। तो गाइस आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग भी घर पे इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को ये रेसिपी काफी पसंद आने वाली है। इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।